प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम सीखेंगे वेजिटेशन का दूसरा मेजर पार्ट जो है फॉरेस्ट। इसको आज हमें सीखना है। वी हैव टू लर्न टूडे अबाउट दिस फॉरेस्ट। आज हम इस फॉरेस्ट के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी हासिल करेंगे। तो ऑलरेडी यू नो अबाउट द मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द मीनिंग ऑफ मेडिटेरियन। क्या है एक्चुअली मेडिटेरियन? इज ए नेम। मेडिटेरियन इज ए नेम ऑफ सी एंड क्लाइमेट। इन फैक्ट बेसिकली मेडिटेरियन इज ए नेम ऑफ सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सी। तो मेडिटेरियन, मैं बार बार ये बात ऑलरेडी आई टोल्ड टू यू, इफ यू विल गो थ्रू द हिंदी वर्ड देन इट विल बी मोर कन्वीनियंट फॉर अंडरस्टैंडिंग टू अस। अगर हम किसी इंग्लिश वर्ड का हिंदी के साथ कोरिलेट करते हैं तो बेसिकली हमारा अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छा होता है। तो अगर हम सीखेंगे पहले मेडिटेरियन सी। क्यों? मेडिटेरियन सी मेक्स ए स्पेसिफिक क्लाइमेट and that's called Mediterranean climate, and such climate develops a variety of forest, unique variety of forest that is called Mediterranean forest। यहाँ मैं interlink कर रहा हूँ आपको कि समझना है कि Mediterranean क्या है। एक समुद्र का नाम है, सी का, और यह समुद्र जो है Mediterranean सी एक क्लाइमेट बनाती है जिसका नाम है मेडिटेरियन क्लाइमेट। और ये क्लाइमेट एक यूनिक फॉरेस्ट को डेवलप करती है, इसलिए उसका नाम पड़ा मेडिटेरियन फॉरेस्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो पहले इसको जाने मेडिटेरियन सी क्या है। इन फैक्ट जब हम हिंदी में जाएंगे इसका नाम होता है मध्य, सी का मतलब होता है सागर, वो मीन्स लैंड, मध्य का मतलब मिडिल, सागर का मतलब सी। इट मीन्स द सी विच आर लोकेटेड इन द इन बिटवीन थ्री कॉन्टिनेंट। एक ऐसा समुद्र है जो तीन कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है। उसी कॉन्टिनेंट से घिरे होने, तीनों कॉन्टिनेंट के घिरे होने से इसका नाम पड़ता है मेडिटेरियन सी। और यह मेडिटेरियन सी एक यूनिक क्लाइमेट बनाती है, इन्फ्लुएंस करती है, उसका नाम होता है मेडिटेरियन क्लाइमेट। और ये मेडिटेरियन क्लाइमेट जो है एक यूनिक फॉरेस्ट डेवलप करती है, उसको कहते हैं मेडिटेरियन फॉरेस्ट। तो मैंने अभी आपको बताया कि यह तीन साइड से समुद्र से घिरा हुआ है। तो मैं आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू
देखो यही है अप्रोक्स रफली मेडिटेरियन सी तुम्हारा, ये हुआ नॉर्थ, ये हुआ साउथ, ये हुआ ईस्ट और ये हुआ वेस्ट। जस्ट मैंने बताया ये मेडिटेरियन सी नॉर्थ में कौन सा कॉन्टिनेंट है, यूरोप है। साउथ में कौन सा कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका है। और ईस्ट में कौन सा कॉन्टिनेंट है, ये एशिया है। यू कैन सी यह जो वाटर बॉडीज है, यह जो समुद्र है, यह रियली तीन कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है और यह तीनों कॉन्टिनेंट का जो एडजॉइनिंग सोर एरिया, सोर मींस किनारा, किनारा सोर एरिया है, उसको ये इन्फ्लुएंस करती है। इट इन्फ्लुएंस द एरिया ऑफ दिस कॉन्टिनेंट एंड मेक्स ए यूनिक क्लाइमेट फॉर दिस कॉन्टिनेंट। और यह समुद्र जो है स्पेशली देख रहे हो सबसे ज्यादा इसके पास है, यूरोप के पास, और एशिया के पास बहुत छोटा है, यहां से यहां तक है। उसके बाद ये रेड रेड सी है आगे देखोगे तो, यहां देख रहे हो ये रेड सी है। तो स्पेशली यूरोप को ज्यादा प्रभावित करता है और यह प्रभाव जो है एक यूनिक क्लाइमेट बनाती है, उसी क्लाइमेट को हम लोग मेडिटेरियन क्लाइमेट कहते हैं। और वह क्लाइमेट एक फॉरेस्ट बनाती है, उस फॉरेस्ट को मेडिटेरियन फॉरेस्ट कहते हैं। विशेष अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने वर्ल्ड मैप को आपके सामने वीडियो में डाला है ताकि आप समझ सको ये लोग कॉन्टिनेंट का लोकेशन और मेडिटेरियन सी। आइए हम देखते हैं वर्ल्ड मैप पर लोकेशन ऑफ मेडिटेरियन सी सो दैट कॉन्सेप्ट कैन बी क्लियर फॉर अस। वर्ल्ड मैप में आप देख सकते हो लोकेशन ऑफ मेडिटेरियन सी, और मेडिटेरियन सी को अच्छे से समझने के लिए इसका सेपरेट मैप किए हैं। जैसा कि आप देखते हो इसके नॉर्थ में, मेडिटेरियन सी के नॉर्थ में यूरोप कॉन्टिनेंट है और जस्ट इसके साउथ की ओर चलोगे तो देखोगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, और राइट हैंड की ओर चलते हो ईस्ट की ओर तो आपको दिखेगा एशिया कॉन्टिनेंट। तो इस तरह यह तीनों साइड से इंटरलॉक्ड है, इसलिए इसे मेडिटेरियन सी इन्हें इंग्लिश एंड हिंदी में भूमध्य सागर कहते हैं। तो जैसे कि आपने वर्ल्ड के मैप में देखा लोकेशन ऑफ मेडिटेरियन सी और उसके सराउंडिंग कॉन्टिनेंट को आपने ऑब्जर्व किया, आइए अब हम टॉपिक कंसर्न पर आते हैं। इट वाज द बेसिक, रियल में हमें जो पढ़ना है उसके बारे में। तो प्रीवियस प्रैक्टिस की तरह, एट द प्रीवियस वीडियो की तरह, हमने इसे भी सेवन हेड्स ऑफ हेडिंग में रखा है। द फर्स्ट हेडिंग वी शुड नो दैट इज डेफिनेशन। The community of forests that grow around the मेडिटेरियन सी और
climate. Are called Mediterranean. देख पा रहे हो कि ऐसे पेड़ों का समूह जो या तो मेडिटेरियन सी के पास है, नहीं तो इस तरह का जहां कंडीशन है, क्लाइमेट है, ऐसा नहीं कि सिर्फ और कहीं जगह लैंडमास ऐसा है जो तीन साइड से सी से घिरता है और वहां ये एप्रोप्रिएट क्लाइमेट मिलता है। आगे देखोगे डिस्ट्रीब्यूशन में तो वहां भी ऐसे फॉरेस्ट ग्रो करते हैं, बट मेनली कंसंट्रेटेड अराउंड द मेडिटेरियन सी, लेकिन मुख्यतः मेडिटेरियन सी के पास ही है, तो इसको हम लोग कहते हैं मेडिटेरियन फॉरेस्ट और मेडिटेरियन एरिया का फॉरेस्ट। आगे हम बढ़ते हैं, अब दूसरा सब हेडिंग आपको एज पर योर रिक्वायर्ड क्लाइमेटिक कंडीशन, यानी इस फॉरेस्ट के लिए क्या क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए। तो सबसे बड़ा कंडीशन इसके लिए है शॉर्ट समर एंड ड्राई समर। यानी समर सीजन जहां छोटा होता है और ड्राई रहती है यानी रेनफॉल नहीं होती है, वहां ये ग्रो करते हैं। दूसरा कंडीशन है लॉन्ग विंटर एंड मिल्ड रेन फॉल ड्यूरिंग विंटर। आपने ट्रॉपिकल हार्डवुड में पढ़ा जो वह कंडीशन टेम्परेचर और रेनफॉल था, उसी का एक कंबाइंड, यानी जिस एरिया में यानी कि मेडिटेरियन क्लाइमेटिक कंडीशन में लॉन्ग विंटर होते शॉर्ट समर होते और समर सीजन में वहां वर्षा नहीं होती, लेकिन विंटर सीजन लॉन्ग होने के बावजूद भी मिल्ड का मतलब होता है एवरेज रेनफॉल, तो माइल्ड रेनफॉल जहां होती है उस माइल्ड रेनफॉल के एरिया में, इस कंडीशन वाले एरिया में आपका ये फॉरेस्ट उगते हैं। शॉर्ट समर एंड ड्राई समर, लॉन्ग विंटर एंड माइल्ड रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर। अब आइए थर्ड हम लोग पढ़ेंगे सी, मेन ट्रीज। इस फॉरेस्ट का मेन ट्रीज क्या क्या है उसको हम लोग सीखेंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो इसमें है कॉर, ओलिव एंड सिट्रस फ्रूट, सिट्रस
throats. You should star mark, आपको इस पर स्टार मार्क लगाना होगा, यह क्योंकि यह सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसके बारे में ऐसे तो ये तीनों इम्पोर्टेंट है। सिट्रस फ्रूट्स का मतलब हुआ कि लेमन, ऑरेंज, ग्रेप्स, दीज आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिट्रस फ्रूट्स। तो कॉर्क और ओलिव सबसे ठंडा तेल होता है। आप देखे होंगे जब यूनाइटेड नेशंस का एम्बलम देखते हो, लोगो देखते हो, तो आप देखो कि दो दो साइड जो है एक लीव्स का इस तरह का क्रॉस, वह इसी ओलिव का ट्री का लीव्स है, क्योंकि यह काफी ठंडा तेल होता है, ठंडा होता है, इसलिए पीस, इट इज अ साइन ऑफ पीस फॉर द वर्ल्ड, दैट्स व्हाई इट इज यूज इन यूनाइटेड नेशंस लोगो। तो ये मेन ट्रीज हैं, आपने देखा। अब आइए, ये ट्रीज आपको कॉमन नहीं दिखता है, नहीं पहचानते हो, इसलिए मैंने इस ट्री का वीडियो जो है आपके सामने, पेड़ का वीडियो रखा है, ताकि आप पहचान पाओ कॉर्क का ट्री का, ओलिव ट्री का, और फ्रूट, सिट्रस फ्रूट तो देखे हो, दोनों लेमन देखे हो, ऑरेंज देखे हो, हाँ ग्रेप्स भी देखे हो, लेकिन ये दोनों का नहीं देखे हो, तो इसलिए मैं वीडियो में आपको ये तीनों का पौध पेड़ जो है उसको दिखाने का प्रयास करता हूँ, ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो आइए देखते हैं इस पेड़ का वीडियो। मेडिटेरियन फॉरेस्ट का ट्री हम देखेंगे। सबसे फर्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्री है, वह है ओलिव ट्री, जिसे स्टार मार्क से दिखाया गया है। अब हम इस ट्री का फ्रूट्स एंड लीव्स देखेंगे। इसे भी हमने आपके समझने के लिए स्टार मार्किंग किया है, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ इसका फ्रूट्स और लीव्स। यह देख पा रहे हो कि ये काफी इम्पोर्टेंट ट्री है। अब हम इस ट्री के बाद दूसरे महत्वपूर्ण ट्री की ओर चलेंगे, जिसका नाम है कॉर्क ट्री। यह भी काफी उपयोगी, काफी महत्वपूर्ण ट्री है, जो इसे भी मैंने आपके समझ के लिए स्टार मार्क लगाया है। यानी कि ये सारे पेड़ जो हैं, ये कॉर्क के ट्री हैं और काफी महत्वपूर्ण है। इस ट्री के बाद हम लोग बहुत कॉमन ट्री को देखेंगे, जो ऑरेंज ट्री है। आप लोग ऑरेंज तो कंज्यूम करते हो, डेली यूज करते हो, लेकिन इसके पेड़ को नहीं देखे होगे। तो इस तरह ये महत्वपूर्ण मेडिटेरियन फॉरेस्ट के ये तीन प्रमुख ट्रीज थे, जिसे आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इस ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाया जा रहा है, ताकि नाउ वी शुड गो डी सब डिविजन, डी ग्रुप, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड। यानी ऐसे फॉरेस्ट पूरे दुनिया में कहाँ कहाँ है। तो अब मेनली आई टोल्ड टू यू, यूरोप में इसका ज्यादा कंसंट्रेशन है, खास करके फ्रांस, इटली और ग्रीक। ये तीन कंट्री जो है यूरोपियन कंट्रीज हैं, जहाँ इसका एक्सटेंशन। इसलिए देखोगे फ्रांस जो है, फ्रांस मेडिटेरियन क्लाइमेट का कंट्री है, इसलिए दुनिया का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्रेप्स है। जस्ट अभी इसके पहले वीडियो टॉपिक में पढ़ाया कि ग्रेप्स जो है इस क्लाइमेट का, इस फॉरेस्ट का प्रोडक्ट है। इसलिए देखोगे फ्रांस पूरे वर्ल्ड का सबसे, और
वेरियस क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ग्रेप से यहाँ बनाया जाता है, जिसमें शैंपेन इसका सबसे प्रसिद्ध ब्रांड है, इटली, ग्रीस। और यहाँ के देखोगे क्लाइमेट भी पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट क्लाइमेट मेडिटेरियन क्लाइमेट ही होता है, इसलिए यहाँ के पर्सन जो भी होते हैं वह भी काफी स्मार्ट होते हैं। तो और दूसरा कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। अफ्रीका में आप देखोगे इनफैक्ट रियली जो डेजर्ट एरिया है, सहारा डेजर्ट का ये सब एरिया है, और ऐसे साउथ अफ्रीका में सारा डेजर्ट नहीं है, साउथ अफ्रीका साउदर्न पार्ट में है, लेकिन जो साउथ अफ्रीका का लोकेशन है, द लोकेशन ऑफ साउथ अफ्रीका आल्सो इन्फ्लुएंस सच टाइप ऑफ क्लाइमेट इन द कोस्टल और ट्रिप एरिया। तो ये तीन कंट्री आपको अफ्रीका में मिलते हैं, और इसके अलावे आप लोग अदर्स कर लो, अदर्स में चिली एस अमेरिका में ऐसे कर लो, एस अमेरिका और यूएसए, यूएसए का कैलिफोर्निया पार्ट जो है वहां भी ये फॉरेस्ट हैं। इट वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, और इंडिया में नहीं के बराबर है, कुछ महाराष्ट्र का एरिया इसमें आता है और कुछ एरिया है, लेकिन डिटेल में अपने यहाँ नहीं के बराबर है, इसलिए हम इसको यहाँ नहीं पढ़ते हैं। यानी आपका जो ई टॉपिक होगा वह ऑफ रहेगा। तो इस पार्ट को बेटर अच्छी तरह से समझने के लिए मैंने मैप पर लोकेट करके दिखाया है आपको, वह मैप के थ्रू आप जाइए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, आप अच्छी तरह इसका समझ सके। तो आइए हम देखते हैं वर्ल्ड मैप में इस कंट्री का लोकेशन और जहां मेडिटेरियन फॉरेस्ट है। तो चलिए देखते हैं वर्ल्ड मैप। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिटेरियन फॉरेस्ट इन यूरोप कॉन्टिनेंट, तो आप देख पा रहे हो फर्स्ट कंट्री जस्ट स्क्रीन के ऊपर फ्रांस लिखा हुआ है पर्पल कलर से, वह है। उसके बाद दूसरा फ्रांस के जस्ट साइड राइट साइड में वह इटली है, और इटली के जस्ट राइट साइड में ग्रीस है। तो यह देख रहे हो ये तीनों कंट्री का जो एरिया है वह मेडिटेरियन फॉरेस्ट का है। उसके बाद आपके सामने है वह अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और इसमें तीन कंट्री को मैं दिखाया हूँ। फर्स्ट इज मोरक्को, दूसरा इज अल्जीरिया। तो मोरक्को और अल्जीरिया मेडिटेरियन सी के पास है, और नीचे आओ साउथ अफ्रीका लिखा हुआ है। यहाँ जो कर्व शेप है यहाँ भी ऐसा क्लाइमेट है, इसलिए सिर्फ कॉर्नर एरिया में जहाँ से वह तीनों समुद्र तीन साइड से मिल रहा है वहाँ भी इस तरह के फॉरेस्ट हैं। अदर्स में आपका साउथ अमेरिकन कंट्री है जो चिली है, और चिली आप इसका शेप जो देख पा रहे हो ग्रीन चिली की तरह है, और इसका जो वाटर बॉडी जो वेस्टर्न एरिया है वहाँ इस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, एंडीज के जस्ट नीचे एरिया में, कर्व शेप एरिया में। अब उसके बाद देखेंगे नॉर्थ अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट्स हैं, जिसका जो है वेस्टर्न जो कॉर्नर है साउदर्न एरिया में वहाँ ऐसे फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इस तरह मेडिटेरियन फॉरेस्ट का एक्सटेंशन डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट होता है। जैसा कि आपने वर्ल्ड मैप में मुख्यतः मेडिटेरियन फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन देखा, कॉन्टिनेंट वाइज देखा, कंट्री वाइज देखा, अब हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बाद लास्ट नेक्स्ट टॉपिक जो है सेकंड लास्ट वह है कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषता, और यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर दिस टॉपिक, ये काफी इम्पोर्टेंट है। तो यू कैन सी फॉरेस्ट्स आर वाइड स्केटर्ड, यानी यहाँ जो फॉरेस्ट होते हैं वह विस्तृत रूप से यानी काफी बिखरे होते हैं, दूर दूर होते हैं, दैट इज कॉल्ड वाइडली स्केटर्ड,
स्केटर्ड का मतलब होता है बिखरा हुआ, दूर दूर विस्तृत रूप से। नंबर नेक्स्ट इज ट्रीज हैव स्पाइनी, स्पाइनी मीन्स नोकीला। वैक्सी, वैक्सी मीन्स चिकना स्मूथ। स्मॉल मीन्स छोटे। एंड लेदरी टेक्चर्ड लीव्स, लीव्स छूट गया है, लीव्स कर दो। ट्रीज हैव स्पाइनी वैक्सी स्मॉल एंड लेदरी टेक्चर्ड लीव्स। अब देखो लेदरी का मतलब मोटा, टेक्चर्ड मीन्स गुण, ऐसे गुण वाले इसकी पत्तियां होती है। मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ, एडप्टेशन, क्योंकि इसे समर ड्राई झेलना है। इस पेड़ को समर में यहाँ वर्षा नहीं होनी है, ड्राई रहती है, इसलिए उस सीजन में अपने आप को बचाने के लिए ये सारे गुण इसमें डेवलप्ड रहे हैं। स्पाइनी, नुकीला, तेज, वैक्सी ताकि ट्रांसपिरेशन ना हो सके, चिकना। देखोगे नींबू का पौधा देखना और जाके नींबू के पत्ती को छूना, व्हेनेवर यू विल टच डायरेक्ट यू विल सी ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स इन द प्लांट ऑफ लेमन। प्लांट लीव्स, लेमन के लीव्स में ये सारे गुण आपको देखने को मिलेंगे। तो ताकि ये समर में अपने आप को बचा सके, एडाप्टेशन कर सके। तीसरा, ट्रीज हैव लॉन्ग रूट्स एंड थिक बार्क्स, यानी यहाँ के पेड़ की जड़ें काफी दूर होती हैं, काफी गहरी डीप होती हैं, सो दैट दे कैन पेनेट्रेट वाटर ड्यूरिंग समर ऑल्सो। एंड थिक बार्क यानी जो स्टीम का कवर होता है उसको बार्क बोलते हैं, तो वो काफी थिक होता है ताकि ट्रांसपिरेशन, नमी को, मॉइस्चर को मेंटेन कर सके। यह देखो इस फॉरेस्ट ने अपने आप को उस क्लाइमेट के अनुसार एडजस्ट किया है, तभी वहां वहां जीवित है। इट इज कॉल्ड एन एडप्टेशन। यही मैं बार बार हर फॉरेस्ट का बता रहा हूँ, इवरग्रीन में भी बताया, डेसिडियस में भी बताया और आज मेडिटेरियन में भी बताया। इस तरह यह फॉरेस्ट जो है अपने को सरवाइव करता है। अब आइए लास्ट टॉपिक इसका देखेंगे, एनिमल। तो इंडिया में एनिमल, इंडिया पढ़ना नहीं है, इसलिए इसका एनिमल जो भी पढ़ना होगा आपको, वह भी फॉरेन का पढ़ना होगा, बाहरी एनिमल्स पढ़ने होंगे। तो देखिए तो आज लास्ट हम लोग करेंगे इम्पोर्टेंट एनिमल्स ऑफ दिस फॉरेस्ट। तो देख रहे हो आप लोग के सामने है गोल्डन जैकाल, मफलेन, बेजर गॉट, मेडिटेरियन जैको। हालांकि ये सब नाम तुमने इसको छोड़ के कहीं किसी को नहीं सुना होगा, लेकिन आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। अगर ये अवेलेबल एनिमल्स होंगे तो इसको वीडियो में आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। और इस तरह आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। हम दूसरे दिन दूसरे फॉरेस्ट के रूप में लेकर आएंगे, जो हमारा लास्ट फॉरेस्ट होगा। उसके बाद हम लोग ये कंप्लीट हो जाएगा, तब वाइल्ड लाइफ का कुछ टॉपिक पढ़ेंगे, यानी कि और दो वीडियो आपको देखने हैं इस टॉपिक। चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।